तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं YouTube पे मेहनत कर रहा हूँ ना, उस तरीके से मुझे YouTube से प्यार नहीं मिल रहा। तो मुझे एक शाकिर आबादी का शेर याद आया कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, दुआ शाकिर तू मंगी रहे, दुआ जाने खुदा जाने। तो इंशाल्लाह दोस्तों, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे। आप सब भाइयों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकत, वेलकम हो गया आप सबको दोस्तों एक न्यू व्लॉग में। तो अभी टाइम है सुबह का, माशाल्लाह सूरज भी निकला हुआ है। तो अभी मैं ठहरा हूँ अपने घर के बाहर बैठक में, और ये मेरा भांजा रिहान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया, वो सबसे पहले कर लें फॉलो। तो अभी मैं जाने वाला हूँ दोस्तों दुकान पर, जो भी इंशाल्लाह आज की हमारी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। कल मैं गया था जिस जगह पर लेटिंग करने के लिए, आज हमने फिर जाना उस जगह पर लेटिंग करने के लिए। तो इंशाल्लाह, जब मैं इसकी उम्र में था ना दोस्तों, आवारा फिरता था, कुछ भी नहीं, सारे दिन ऐसे बैठा रहा, कभी इस जगह पर खेलता था तो कभी उस जगह पर। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, दुकान पर पहुंचने के बाद सारा सामान हमने लाइटिंग का ले लिया था। अब इस पंडाल में हमने लगानी है लाइटिंग वगैरह, वो सारी लाइटिंग का हमारा सामान वगैरह यहाँ पर ऐप है। हमने यहाँ पे कुछ 8-10 लाइटें ये दोस्तों, यहाँ पर हमने चेयर वगैरह यहाँ पर लगा दिया। अब चेयर पर ऊपर चढ़ने के बाद मैं यहाँ पर लाइटिंग वगैरह करूँगा। तो ये अब करेंगे हमारी कैमरे मैन भाई। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लाइटिंग वगैरह कम्प्लीट ही लगा दी है, 1, 2, 3, 4 वहाँ, मतलब हमने यहाँ पर 5-6 लाइटें लगाई हैं। तो इस हाल में 5-6 लाइटों की रोशनाई कंप्लीट ही हो जाएगी। तो अभी हमारी चाय वगैरह आई हुई है, तो हम चाय वगैरह ये मुफ्त जगह पर बैठे चाय वगैरह पी रहे हैं। मैं पी लूँ पी ले। तो अभी दोस्तों यहाँ से पानी वगैरह ये भर रहे हैं भाई, और सामने उस जगह पर वलीमा चलने वाला है। और अभी हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, ये लाइटिंग की तार वगैरह हमने यहाँ से लगानी है, लाइटिंग वगैरह वहाँ की चालू करनी है। वलीमा बस ख़त्म होने के बाद हमारा काम कंप्लीट। आज इनका वलीमा भी है और जागा भी है, तो हमारी लाइटिंग चलनी है रात को। अब इसलिए हम इनके वलीमा ख़त्म हो जाए इसलिए इंतज़ार ठहरे हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ से हम वापस दुकान पर आ गए, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आई हुई है, अभी भी आ रही है हल्की हल्की। तो फिर वापस हमने वहाँ पे जाना है लाइटिंग उतारने के लिए, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया, अभी तो लाइटिंग वगैरह नहीं चलेगी ना, फंक्शन उनका ख़त्म हो जाएगा। आज उनकी मेहंदी थी, वलीमा भी था, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब वलीमा ख़त्म होने के बाद हम जाकर लाइटिंग वगैरह उतार लेंगे। दोस्तों फुल टाइम बारिश आई हुई है शहर में, फुल टाइम हमने दुकान वगैरह बंद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रात को दोस्तों बारिश आ गई थी, हमने थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का सामान उतार लिया था, फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। आज माशाल्लाह मौसम वगैरह बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ से लाइटिंग वगैरह उतारने के लिए, तो जाके लाइटिंग वगैरह उतारते हैं। इंशाल्लाह जो भी आज की हमारी रूटीन होगी वो आप सबसे जरूर करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं लाइटिंग वालों के घर पहुंच गया हूँ। ये वाली मैंने लाइटिंग काफ़ी सारी उतार ली है, अभी और भी उतारी है। ये फुल ये देहात का इलाका है, माशाल्लाह गाँव की खूबसूरती चेक करो आप लोग। ये दुकान पर सारा सामान लाइटिंग का यहाँ पर खिंडा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मेरी स्टैंड वगैरह है, यहाँ पर बैठ के मैं एडिटिंग वगैरह व्लॉग की करता हूँ। तो आज ना काफ़ी दिनों से मतलब लाइटिंग पर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि यार रोज़ रोज़ ये शादियों की वीडियो अपलोड करते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसी और टॉपिक पे आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और दुआ में वीडियो को एंड कर रहा था, मेरा दिल कह रहा था, मुझे ना दोस्तों नाच पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। जगा जी लगाने कि दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगा जी लगाने कि दुनिया नहीं है,
ये इबरत के जा है। तो दोस्तों अगर नात पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी कहना। चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना।